ये है नोवा मैक्स का कूलर 75 लीटर का, और जो ये मॉडल है इस मॉडल का नाम है नोवा मैक्स प्रोटो। ये मैंने लगभग 5 दिन पहले ख़रीदा है। कूलर तो अच्छा है, बॉडी काफ़ी मजबूत है। अगर मैं स्ट्रेस भी दे रहा हूँ आपको तो बॉडी काफ़ी मजबूत है इसकी। बट एक छोटा सा इशू मुझे लगा, एक तो इसके अंदर एक वायर निकली हुई है ग्रीन कलर की, जो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ये कहाँ पर अटैच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो बाहर की तरफ निकली हुई है बाहर, कंपनी ने इस पे ज़रा भी ध्यान नहीं दिया कि ये बाहर क्यों निकली हुई है, कहाँ पर अटैच होनी है, मुझे ये भी नहीं पता इसके बारे में। इसके अलावा जब मैं चला रहा हूँ तो हल्का हल्का पानी फेंक रहा है बाहर की तरफ। मैंने आज ही कंप्लेन रजिस्टर कराई है, अब देखते हैं कब तक रिस्पॉन्स आता है कंपनी की तरफ से। और यहाँ पे दो इसके स्विच दिए हुए हैं, ये वही हाई मीडियम लो करने के लिए। इधर एक वाटर पंप का है स्विंग के लिए और ऑन ऑफ के लिए। इसके अलावा कुछ स्टिकर्स हैं इधर, वार्निंग्स लिखी हुई हैं। और जो व्हील्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, वो सॉलिड क्वालिटी के लग रहे हैं कि जल्दी ख़राब होने वाले नहीं हैं। और तो बाकी जो फर्श के बीच में और कूलर के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, जो कि काफ़ी सही है सफाई के लिए। ओवरऑल कूलर काफ़ी अच्छा है, और मैं आपको इस तरफ से भी दिखाता हूँ कूलर को। और कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। और ये एक मॉडल है नोवा मैक्स प्रोटो 75।